बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज बनते हैं आपके पास, चंद एक चीज़ें आप लोगों को पहले पता होंगी, चंद एक चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह नई सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ ये, एमसीक्यूज हमारे पास एक ही आता है कि ब्रेन स्टेम का वो कौन सा पार्ट है जो कि नैरो डाउन करके या एक्सटेंड होकर स्पाइनल कॉर्ड बना रहा होता है, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाइंड ब्रेन के अंदर सबसे एंड पे ये वाला पार्ट जो ये मौजूद होता है जो कि नैरो डाउन करता है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो चला जाता है। अब अगर आप बच्चों से ये पूछते हैं कि बच्चों मुझे ये बताओ कि स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो नॉर्मली बच्चों की ये जो है वो परसेप्शन होती है कि वर्टिब्रा के दरमियान में कहीं पे स्पाइनल कॉर्ड होगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमारे वर्टिब्रा के बिल्कुल पीछे अगर आप देखते हो तो ये जो एक छोटा सा आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम ने ये जो न्यूरल आर्चीज हैं, ये जो एक्सटेंशन है वो बनाई हुई होती हैं। आपको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये वाली न्यूरल आर्चेस नजर आएंगी, तो दीज आर देयर टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं और इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप की अगर बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में हमें नजर आ जाता है कि उसमें एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर मौजूद है। ये जो ग्रे मैटर है ना, ये सारी की सारी जो सेल बॉडीज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, ये सेल बॉडीज हैं, ये नॉन माइलिनेटेड एरिया होता है। जो बाहर आपको व्हाइट मैटर नजर आता है, इसको ये माइलिनेटेड एरिया, यहाँ पे मेनली जो एक्सॉन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो व्हाइट मैटर जो है दैट इज माइलिनेटेड एरिया, माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सेल बॉडीज हमारे पास मौजूद होंगी ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर का एमसीक्यूज बनता है कि वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, तो बेसिकली वो सेल बॉडीज के मिलने से बनता है। और जो व्हाइट मैटर है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के पार्ट जो होते हैं उनसे मिलकर बनता है। जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शंस होंगे स्पाइनल कॉर्ड ने कंट्रोल करने हैं, इसका मेन पर्पस ये होता है कि इसने बॉडी और ब्रेन का आपस में कनेक्शन जो है वो बनाकर रखना है। 31 नर्व्स के पेयर्स जो हैं, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो हैं वो अराइज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। जो हमारे पास नर्व्स अराइज कर रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो 31 है। टोटल वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 33 होते हैं। तो बच्चों को अगर ये पूछा जाए कि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो बच्चे नॉर्मली कह रहे होते हैं कि पेल्विक रीजन के जो लास्ट टू वर्टिब्रा से पहले यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड जो मौजूद है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है। अच्छा, ये हमारे पास ना काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज क्या है कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के भी चार अलग अलग सेक्शन होते हैं, जिस तरह हमारे वर्टिब्रल कॉलम के चार अलग अलग कर्व्स होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सर्विकल रीजन है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी सर्विकल स्पाइनल सेगमेंट्स होंगे। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर थोरेसिक रीजन है, उसी तरह थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट्स होंगे। लंबार रीजन है, लंबार सेगमेंट्स होंगे। और एंड पे हमारे पास पेल्विक रीजन है, पेल्विक सेगमेंट्स होंगे। हमने इनको डिफरेंशिएट किस तरह से करना है कि जो सर्विकल रीजन है वो कौन सा है, थोरेसिक रीजन कौन सा है, लंबार रीजन कौन सा है। तो देखें, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जिस तरह वर्टिब्रल कॉलम के सर्विकल रीजन में टोटल 7 वर्टिब्रा होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सर्विकल रीजन में 8 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज थोड़ी सी यूनिक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो पहली स्पाइनल नर्व है वो पहले स्पाइनल वर्टिब्रा C1 वर्टिब्रा के ऊपर से बाहर की तरफ निकलती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है। जो C2 नर्व होगी, ये नर्व C2 है और वो C2 वर्टिब्रा के ऊपर से जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। सेम उसी तरह हमारे पास जो है वो 7th स्पाइनल नर्व जो है वो C7 वर्टिब्रा के ऊपर से बाहर निकल रही होती है और यहाँ यहाँ पर आकर एक ट्रांजिशन होती है, जिस ट्रांजिशन को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अभी तक हम लोग यही कह रहे थे कि जो जो स्पाइनल वर्टिब्रा का सेक्शन होगा, जैसे C7 है स्पाइनल वर्टिब्रा है, उसके ऊपर से C7 वाली स्पाइनल नर्व बाहर निकलेगी। यहाँ पर आके जो स्पाइनल वर्टिब्रा है, जो सर्विकल रीजन के वर्टिब्रा होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जो C8 स्पाइनल नर्व होती है, सर्विकल रीजन की 8th स्पाइनल नर्व होती है, वो C7 के नीचे और थोरेसिक रीजन के फर्स्ट वर्टिब्रा के ऊपर से जाती है। अब थोरेसिक रीजन का जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसके ऊपर से C8 जा रही है, तो T1 कहाँ से जाएगी? जो T1 नर्व होगी हमारे पास, ये वाली T1 रीजन है, T1 नर्व है, ये T1 के नीचे से जाएगी, T1 वर्टिब्रा के नीचे या T2 वर्टिब्रा के ऊपर से जाएगी। इसी तरह ये जो स्पाइनल रीजन है, स्पाइनल सेगमेंट से ये थोड़े छोटे छोटे होते जाते हैं और हमारे पास जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है, उनका साइज वैसे का वैसे ही रहता है। दैट्स वाई जो स्पाइनल सेगमेंट्स हैं वो पीछे पीछे की तरफ रहते जाते हैं, पीछे पीछे रहते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं साइज में, और उनकी जो नर्व्स हैं वो आगे की तरफ एक्सटेंड करके यहाँ से बाहर निकल रही होती हैं।
दैट इज द रीजन वाई वी कॉल दीज सेगमेंट्स, कि हम इनको इस सेगमेंट से निकलने वाली जो एक नर्व है उसको भी हम लोग पेल्विक नर्व का नाम देंगे, हालांकि वो लंबार टू वर्टिब्रा के ऊपर आकर जो है वो खत्म हो गई है। तो ये बेसिकली आपके पास एक एमसीक्यूज होता है कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक चलता है, कहाँ पे जाके वो टर्मिनेट होता है। तो वो लंबार टू वर्टिब्रा जो है उससे आगे नहीं जाता, एल टू वर्टिब्रा पे आके जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टर्मिनेट हो जाता है। वहां से आगे सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल नर्व्स आती हैं और वो आकर यहाँ पे पेल्विक रीजन से बाहर निकल रही होती है, दैट इज वाई दे आर नोन एज पेल्विक नर्व्स। यहाँ पे हमारे पास ये सेक्रल नर्व्स हैं, लंबार नर्व्स हैं, जो कि पीछे बेसिकली थोरेसिक रीजन पे ही खत्म हो गया था वो वाला हिस्सा, लेकिन वो नर्व्स जो हैं वो आगे जाके लंबार वर्टिब्रा से बाहर की तरफ निकल रही हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड लंबार नर्व्स। तो ये वही वाला एक एमसीक्यूज है कि स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट्स एट, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेकेंड लंबार वर्टिब्रा पे जाके टर्मिनेट होता है, उससे पहले टर्मिनेट नहीं होता। ग्रे मैटर इज कम्पोज ऑफ, तो दो तरह के हमारे पास रीजन्स थे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो था वो सेल बॉडी से मिलकर बनता है, जो व्हाइट मैटर है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या माइलिनेटेड एक्सोन से मिलकर बनता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि हमारी बॉडी और ब्रेन के दरमियान में एक कनेक्शन, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का प्राइमरी फंक्शन होता है। इसने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस नहीं करना, इसने हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करने, इसने दो हेमिस्फेयर्स को, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं उनको आपस में नहीं जोड़ना, इसने ब्रेन और बॉडी को आपस में जोड़ना है। द स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूअस विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि एक्सटेंड होता है, जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो सेरिब्रम तो फोर ब्रेन का पार्ट है ना, वो तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। हाइंड ब्रेन के अंदर ये तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम पीछे करके मौजूद होता है, इसे हम लिटल ब्रेन कहते हैं, ये यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। पॉन्स खत्म हो जाता है मिडुला ऑब्लोंगेटा से पहले, और मिडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये वो पार्ट होता है जो कि आगे एक्सटेंड होते हैं और एक्सटेंड होकर स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। Thank you.